हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या और वेलकम है आपका मेरे चैनल दिव्यास किचन में। आज हम गार्लिक ब्रेड बनाने जा रहे हैं, गार्लिक ब्रेड स्टिक्स, जो कि स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड स्टिक्स हैं। बहुत ही चीजी गार्लिक ब्रेड बनके रेडी हुई है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, गैस पे ही बनेगी, ओवन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। और रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गार्लिक बटर बना लेते हैं। तो गार्लिक बटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बटर लिया है 1 चम्मच के करीब, और इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखा हुआ था। अभी ये देखिए सॉफ्ट हो गया है। इसमें हम डाल रहे हैं ग्रेट किया हुआ गार्लिक 1 चम्मच के करीब, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच, ब्लैक पेपर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा गार्लिक बटर बिल्कुल रेडी है। अब करते हैं ब्रेड की स्टफिंग की प्रिपरेशन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज लिया है 1 कप। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सब्जियाँ, अपनी पसंद से आप सब्जियाँ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली डाली है चॉप करके, 1 छोटी ग्रीन चिली है, कैप्सिकम ली है 1/4 कप के करीब, कैप्सिकम है, रेड कैप्सिकम भी ले ली है 1/4 कप के करीब, बॉइल किया हुआ स्वीट कॉर्न थोड़ा सा, थोड़े से चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो डाला है 1/2 चम्मच के करीब, और सॉल्ट डालूंगी थोड़ा सा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। चीज में भी थोड़ा सॉल्ट होता है, तो उस हिसाब से सॉल्ट को थोड़ा सा कमी करके हम डालेंगे, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बनके रेडी है। अब ब्रेड के स्लाइस ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, और इसके ऊपर अब मैं स्टफिंग लगाऊंगी। स्टफिंग को अच्छे से लगाएंगे। और इसको मैं ऊपर से दूसरे स्लाइस से कवर कर दूंगी। अब हम ये गार्लिक ब्रेड तवे पे बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन गरम करके रख लिया है, और इस पैन पे मैं डाल रही हूँ जो गार्लिक बटर अभी हमने रेडी किया था वो 1 चम्मच, और इस तरीके से उसको फैला दूंगी, और इसके ऊपर मैं अपनी जो ब्रेड हमने रेडी किया है उसको हम रखेंगे, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बहुत धीरे धीरे एक साइड से रेडी होने देंगे। इस साइड पे भी गार्लिक बटर लगा लेते हैं। और अब इसको हम पलट देते हैं। आप देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। इसी तरीके से हमें लो फ्लेम पे इसको सेकना है। अब ये दूसरी साइड से भी रेडी हो गई है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और हमारी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स बन के बिल्कुल रेडी हैं। कभी भी शाम के टाइम भूख लगती है, बच्चे घर पे होते हैं उनको भूख लगती है, तो आप ये फटाफट कभी भी बना के उनको दे सकते हैं। बच्चों को तो बड़ी पसंद आती है चीजी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। तो इसको हम कट कर लेते हैं, और देखिए कितनी अच्छी चीजी गार्लिक ब्रेड बनके रेडी हुई है। जितनी देखने में टेस्टी है उतनी खाने में भी टेस्टी है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।